अब तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया तो तुमको पता ही होगा कि मॉपसाइको वन हंड्रेड क्या है तो मुझे इंट्रोडक्शन में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा तो इंट्रो गई भाड़ में और हम ध्यान लगाते हैं मॉपसाइक वन हंड्रेड के कैरेक्टर्स को रैंक करने में नंबर टेन डिम्पल अब तुम सोच रहे होंगे की डिम्पल यहाँ क्या कर रहा है ये तो कमजोर है हाँ वो कमजोर है मगर एक टाइम पे वो स्ट्रॉ भी था लेकिन उसके पास नॉलेज है की कौन सी इविल स्पिरिट क्या है और उसे कैसे एक्सरसाइज किया जाए इसीलिए वो नंबर टेन पर है नंबर नाइन रिश्सु कागायामा यानी शिगे कागायामा का छोटा भाई पहले तो दिखाया गया था कि इसके पास कोई पावर्स नहीं है लेकिन थोड़े ही समय में इसके पास साइकिल एबिलिटीज डेवलप होना शुरू हो गई लेकिन इसकी पावर्स दूसरे एस्पर्स के मुकाबले बहुत कम है नंबर एटावा एक ए तब निकल गई जब मॉब ने इसकी करके रखी थी इसकी से है लेकिन इससे भी है पे। seven, अब ये थोड़े दमदार बंदों में आता है, क्योंकि ये, के फाइव का मेंबर है। ये पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकता है और कुछ नहीं नंबर सिक्स शो सुजुकी अब का बेटा होने की वजह से ये भी स्ट्रॉग है क्योंकि बाप के गुण तो बेटे में आते ही ना लेकिन ये अच्छा बंदा है अपने बाप के

का मॉप का सबसे चैलेंजिंग अपोनेंट ये दूसरों की साइकिल एबिलिटी को एब्सार्व कर सकता है किसी के पास नहीं हो तो उसको दे सकता है। सकता है है उसके बाद ये बैरियर्स बना ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी एनर्जी को स्टोर करके एक बार में बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर सकता है नंबर द ऑफ ऑल मुझे बताने की जरूरत नहीं की सीरीज का सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदा है और इसकी साइकिल एबिलिटीज डिफर करती है इसके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर अगर हंड्रेड हो तो ये पूरा मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है और अगर स्ट्रेस हंड्रेड के भी ऊपर चले जाए तो एक अनोन परसेंटेज वाला भी स्टेट है जिसमें ये बंदा तो बीस जाता है खत्म अरे रुको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाओ अगर चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो लेकिन उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना अगली वीडियो में मिलते हैं ओके बाय